फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस आवर सेकंड चैप्टर ऑफ मैथ्स. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. द मेथड ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्जर नंबर्स आर एग्जैक्टली द सेम एज विद द स्मॉलर नंबर्स. In our previous classes, we have learnt that to add or subtract two or more numbers, we arrange them in column as per the place value chart. To add or subtract, we begin from right with ones, then tens, hundreds and thousand, and so on. In addition problem, the numerals which are to be added are called addends, and the result is called the sum. In problems of subtraction, the number to be subtracted is known as subtrahend, and the number from which it is to be subtracted are called minuend, and the result is called as the difference. First we discuss addends. Kya hota hai addends? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको कोई नंबर जो दिए हुए हैं, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा? एडेंड्स कहा जाएगा. और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को क्या कहा जाएगा? सम कहा जाएगा. एडेंड्स क्या होते हैं? द न्यूमरल्स आर टू बी एडेड. ये हमारे क्या होते हैं? न्यूमरल्स होते हैं. सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं? द नंबर्स आर टू बी सब्ट्रैक्ट. द न्यूमेरल्स आर टू बी सब्ट्रैक्ट, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. डिफरेंस क्या होता है? ये एडेंड्स में क्या होता है? जब हम दो नंबर्स का सम करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, जो आंसर आता है, रिजल्ट जो आता है, उसको हम सम कहते हैं. यहाँ पर जो दो नंबर्स को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिफरेंस कहा जाता है. सब्ट्रैक्ट क्या होता है? जिन नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, वो नंबर. देन अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. हमको यही क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमसे पूछा गया है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. द न्यूमरल्स विच आर टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंट्स. द नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट. द रिजल्ट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. अब यहाँ पे क्या करना है हमको? फोर्थ में द सम ऑफ 2, 6, 8, 7, 5, 3, ये जो नंबर्स दिए गए इनका सम करना है, सभी नंबर्स को ऐड करना है, देन हमको उसको सॉल्व करना है. हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है? 2 का फर्स्ट, हमको पहला नंबर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर दिया है 2, 2, 3, 4, 5, 3. द नंबर है 3, 3, 4, 5, 6, 2. देन हमारा एक और नंबर है 8, 4, 5, 6, 7, 0, 6, 7, 0. देन हमारा लास्ट नंबर दिया हुआ है 2, 8, 5, 1, 8, 9. ये हमको नंबर दिया गया है. हमको इस चैप्टर में बोला है भाई ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, मतलब हम बड़े बड़े नंबर्स में क्या कर रहे हैं? ऑपरेशंस पुट कर रहे हैं, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? जैसे हमने छोटे छोटे नंबर देखे थे, जैसे हमको नंबर दिया था 24, 23 और 46, ऐसा नंबर दिया था, तो हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले वंस प्लेस को वन प्लेस से ऐड कर रहे थे. तो यहाँ पर भी हमको ऐसा ही करना है. तो यहाँ पे हमको दो नंबर थे, यहाँ चार नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो कितना 3 + 2 कितना होता है 5, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 9 कितना होगा 14, कितना होगा 14, ठीक है, कैरी वन, ये कैरी आया, देन 5 + कैरी 1 6, 6 + 6 कितना होगा 12, 12 + 7 कितना होता है 19, 19 + 8 19 + 8 कितना हो गया 27, 27 का 7, देन कैरी 2, देन 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 का 8 कैरी 1, देन 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 का 1 कैरी आया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16, अब यहाँ कोई नंबर बाकी नहीं है इसलिए मैं पूरा ही नंबर यहाँ पर लिखूँगा। आया है क्वेश्चन समझ में बेटा आप लोगों को? अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इस एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया है इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पर भी हमको वही करना है जो हमको नंबर दिया है 8 7 9 5 9 7 2, एक नंबर है इसका सम करना है हमको 2 5 3 9 2 0 8, एक और नंबर दिया है हमें 3 9 8 6 5 3 4, ठीक है, हमको इनको क्या करना है सम करना है, प्लस करना है नंबर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस प्लेस लेंगे, तो 2 + 8 कितना होता है 10, 10 + 4 14 कैरी 1, देन 7 + 1 8 0 है तो इसको तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 8 + 3 11, 11 का 1 कैरी 1, ठीक है, देन 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17 कैरी 1, 6 5 + 1 6, 6 + 9 6 + 9 कितना हो गया 15, 15 + 6 21, 21 का 1 कैरी 2, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 8 22 का 2 कैरी 2, देन 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23, 23 का 3 कैरी 2, देन 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था जो सॉल्व किया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है घर से, ठीक है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स बल्ब, इट्स ईयर वाइज प्रोडक्शन इज गिवन बिलो। एक फैक्ट्री है जिसमें क्या होता है बल्ब का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया 2003-04 में कितने बल्ब्स यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, कितना हुआ है 2,46,678 बल्ब्स का, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है एयरवाइज। तब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2003-07 मतलब ये इन सभी जो बल्ब्स हैं, ये जो सभी जो हमको नंबर्स दिए गए हैं इनका क्या करना है, हमको सम करना है, मतलब इन सभी नंबर्स का प्लस करना है, हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए टाउन देयर आर 2,50,754 मैंस, 2,23,506 वुमेंस, 3,60,576 चिल्ड्रंस, फाइंड आउट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। हमको बताना है कि भाई यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है गाँव की, इस शहर की। देन
यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 2,50,754। देन वुमेन कितनी है, यहाँ पे वुमेन कितनी है, 2,23,506 एंड चिल्ड्रंस बच्चे कितने हैं यहाँ पे, 3,60,576। सो अब यहाँ पे पूछा टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे इनको क्या करना है, हमको प्लस करना है सभी जो हमको नंबर्स दिए गए इसको, तो यहाँ पे हमको पता लग जाएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना हो जाएगा, 2,50,754 प्लस 2,23,506, 3,60,576। हमको क्या करना है, इन बड़े नंबर्स को प्लस करना है ना, तो कितना 4 + 6 कितना होता है, 12, 10, 10 + 6 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 7 13 कैरी 1, देन 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18 ठीक है कैरी 1, देन ये 0 है, 3 + 1 4 कैरी कुछ है नहीं इसलिए नहीं लेंगे, 5 + 2 7, 7 + 6 13, देन कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 ठीक है, तो हमको टोटल पॉपुलेशन पता लगेगी 8,34,836 टोटल पॉपुलेशन है उस टाउन की। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये आप लोग के लिए होमवर्क है ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको जहाँ भी डाउट आती है मुझे कमेंट कर पूछिएगा। देन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, फाइंड द डिफरेंस ठीक है, फाइंड द डिफरेंस यहाँ पे हमको माइनस करके बताना है ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 781 2,62,4 देन इसको हमको माइनस करना है 6,70,6,70,95,95,34 यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन करना है ठीक है। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कैसे रहेगा, 4 - 4 कितना होता है 0, 12, अब ये 2 है नीचे नंबर हमारा 3 है तो हम क्या करेंगे इसे एक उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 के कितना आएगा 9, अब इससे एक उधार लिया था ये 6 था, 6 - 1 मतलब 5 हो गया, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, देन हमारा अगेन ये नंबर क्या हो गया हमारा 12 क्योंकि यहाँ नीचे 9 है तो ये 12 हो गया, कितना बन गया ये हमारा 12 - 9 कितना हो गया 3, देन ये 1 था, 1 - 1 0 तो ये हम यहाँ से क्या कर लेंगे इसको ये हमारा 0 हो जाएगा, देन 8 - 7 कितना होता है 1 और 7 - 6 कितना होता है 1, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है। देन हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देखेंगे पूरी एक्सरसाइज के, जहाँ भी आपको डाउट जाती है मुझसे एक बार पूछिएगा ठीक है। ये सिंपल सा क्या है यहाँ पे,
हमारा सब्ट्रैक्शन है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। सो हम मूव करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड पर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 103 बाय 7000 देन वी गेट, हमको क्या मिलेगा अगर हम 103 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7000 से। मतलब 103 मल्टीप्लाइड बाय 7000, ऐसा हमको नंबर दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस नंबर को इस नंबर से या इस नंबर को इस नंबर से, हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा। सो 7000 मल्टीप्लाइड बाय 103, भाई 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 से किया, फिर 0 से किया, फिर 0 से किया, अब 3 की टेबल 17, कितना 3 7 जा 21, देन ये 0, देन एक और 0, एक और 0, ये एक और 0। भाई यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन मैं सभी नंबर से कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 0, देन यहाँ पे क्या होगा, एक और क्रॉस लगेगा। ठीक है, देन 0, देन 7 1 जा 7, ये हमारा जो टर्म रहेगा 0 0 0 1 2 7। यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे हमारा आंसर क्या है। ठीक है, सो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यहाँ पे आप देखिए 24 बाय 10। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपने छोटी क्लासेस में पहले भी किया है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन, 0 का मल्टीप्लिकेशन 4 से तो 0 ही रहेगा, 2 से करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, 4 1 जा देन 2 1 जा 0 4 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन नंबर्स का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट,